समय पहले की बात है, वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया। सब कुछ बिखर गया। अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहां आ गया? कोई है? कोई है? कोई है? बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए। कहां चले गए यहां के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज कहां? अरे अरे रुको भाई, ये सब क्या हो रहा है और ये मुझे कहां ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है, उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की, उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। उसकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते। मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी, एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है, इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए, जिसमें घर, दुकान, सड़क, सारी सुविधाएं हो। वीरान टापू को? मगर महाराज, वहाँ तो केवल यहाँ से विदा किए गए राजा को रहना होता है। ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहाँ जाकर रहने में चिंता किस बात की होती? इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई और वो निश्चिंत होकर राजपाट चलाने लगा। तभी एक दिन, महाराज महाराज महाराज, बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है। माफ कीजिए महाराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहाँ आता है, जिसका मतलब है। इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है? जी महाराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का झंडा लगा था।
जिसकी हमारे टापू पे कब से नजर है और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहाँ आ गया तो हमें उसको यहाँ का राजा बनाना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए, साथ ही बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि वो लोग महाराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे। वैसे प्यार और स्नेह तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था, इसीलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो। ये कैसे हो सकता है महाराज? नियम के अनुसार भूला भटका आदमी हमारा राजा होगा, अब भूला भटका आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है? अभी राजा हम हैं, और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है। हर अजनबी अच्छा नहीं होता, और अपना राज्य किसी अजनबी या दुश्मन के हाथों देना बुद्धिमानी नहीं। हाँ हाँ महाराज, सही कह रहे हैं, इनकी बात तो सही कह रहे हैं, मगर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? करना तुम्हें नहीं हमें है, यहाँ की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए। मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खतरा है, इसीलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं। इसका उपाय भी है हमारे पास, अगर वो राजा आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ये भेदभाव करे, तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंत हटाने का अधिकार भी होगा। वाह महाराज वाह, क्या बात है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, हम सब आपके विचार से सहमत हैं। वैसे महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदैव के लिए हमारे राजा बन जाते हैं? नहीं मित्र, मेरे यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है, अब तुम्हें अपना राजा चुनने की बारी है। कांची विजयनगर के बुनकर यानी एक वीवर की बेटी थी, जो बहुत ही सुंदर और मेहनती थी। एक बार महाराज विद्याधर का बेटा श्रीराम नगर में घूमने निकला और उसकी नजर कांची पर पड़ी, जो चरखे में कपड़े बुन रही थी। कांची की सुंदरता को देखकर राजकुमार श्रीराम उसे देखता ही रह गया। उसने ऐसी सुंदर और मेहनती लड़की आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उसने तुरंत ही कांची से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी करके उसे राजमहल में ले आया। कांची के लिए महल में सारी सुविधाएं थी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही उसे अपना काम खुद करने की आदत थी, पर यहाँ तो हमेशा उसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, जिससे उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए राजमहल में भी रहकर वो उदास थी। कांची को उदास देख उसे खुश करने के लिए राजकुमार ने उसके लिए नए नए कपड़े, ढेर सारे गहने और तरह तरह के पकवान भिजवाए, पर फिर भी कांची खुश नहीं हुई। और एक दिन कांची बगीचे में आराम कर रही थी। गांव का जीवन कितना अच्छा था, मैं अपना काम खुद करती थी, आसपास कितने लोग होते थे बात करने के लिए, पर यहाँ ना कोई काम करने को है और ना कोई इंसान जिससे मैं बातें कर सकूं। ओ, ओ, ये कैसा कीड़ा है? पहले कभी नहीं देखा। कांची ने पहली बार ऐसा कोई कीड़ा देखा था जो एक कुकून था, और उसके शरीर से जो धागा निकल रहा था वो रेशम यानी सिल्क था। ये क्या है?
कोई धागा लगता है। कितना मुलायम है, इससे तो मैं कितने अच्छे कपड़े बना सकती हूँ। सिपाहियों, जी राजकुमारी, इस पेड़ में ऐसे जितने रेशमी कीड़े हैं सबको जमा कर लो और गर्म पानी में डालकर इनका रेशम निकाल लो। राजकुमारी जी, ये कीड़ा है या राक्षस? काची के आदेश से सिपाहियों ने पेड़ से सारा कुकून जमा करके उसे गर्म पानी में डाल दिया, जिससे ढेर सारा रेशम जमा हो गया। ये देख कांची बहुत खुश हो गई और रेशम से कपड़ा बनाने के लिए उसने एक चरखा मंगवाया। ये तो अद्भुत कपड़ा है, इतना मखमल और सुंदर कपड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा और मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। मैं ऐसे और कपड़े बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ राजकुमारी, अब जितना चाहे उतना कपड़ा बनाए। सिपाहियों, महारानी को राज्य के सारे रेशमी कीड़े लाकर दे दीजिए। आज से राजघराने में सभी लोग इसी कपड़े का बना रेशमी पोशाक पहनेंगे। जी राजकुमार। पहले की तरह काम करने से कांची के चेहरे पर हंसी वापस आ गई और इस तरह कांची के बनाए कपड़े इतने रेशमी और इतने मखमली थे कि धीरे धीरे उसकी चर्चा आसपास के राज्यों में फैल गई और सबने उस रेशमी कपड़े को बनाने की इच्छा जताई। महाराज की जय हो। मैं आपके पास महाराज हिमबिंदु की एक विनती लेकर आया हूँ। हाँ हाँ महामंत्री, बोलिए। हमने आपके राज्य में बने रेशमी कपड़ों के बारे में बहुत सुना है। महाराज चाहते हैं कि उसे बनाने की विद्या हमें भी बताई जाए। आखिर ज्ञान बांटने के लिए ही तो होता है, और आपके ऐसा करने से आपका नाम चारों तरफ होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्षमा महाराज, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आज्ञा है राजकुमार। ये विद्या हमारे राज्य की धरोधर है। हम इसका व्यापार कर सकते हैं, पर इस विद्या का रहस्य किसी को नहीं बता सकते। और सोचिए महाराज, इस अद्भुत रेशमी कपड़े के व्यापार से हमारा राज्य कितना समृद्ध होगा। हम राजकुमार की इस बात से सहमत हैं। महामंत्री, हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं महाराज, राजकुमार ने व्यापार की अनुमति दे दी, यही हमारे लिए काफी है। इस तरह विजयनगर के आसपास के राज्यों से रेशमी कपड़े का व्यापार शुरू हो गया और ये विद्या किसी और जगह नहीं पहुँचे, इसलिए महाराज के आदेश से किसी को भी विजयनगर से रेशमी धागा या रेशमी धागे का कीड़ा नगर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही इस विद्या को बताने की अनुमति थी। और रेशमी कपड़े के व्यापार से विजयनगर समृद्ध भी हो गया और प्रसिद्ध भी। कितनी सुंदर साड़ी है, ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? भूल गई, आज तुम्हारी विदाई का दिन है और जहाँ से आसपास के सभी राज्यों में रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है वहाँ की राजकुमारी को तो विदाई में रेशमी साड़ी तो मिलनी ही चाहिए ना। मुझे चरखे से रेशमी कपड़े बनाना बहुत पसंद है। मैं बस साड़ी ही नहीं बल्कि रेशम के कीड़े भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, ताकि वहाँ जाकर मैं रेशमी कपड़े बना सकूं। ऐसी गलती मत करना मल्लिका, महाराज का सख्त आदेश है। और भूल गई, राज्य छोड़ने से पहले सबकी तलाशी होती है, अगर पकड़ी गई तो अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, जब भी तुम्हें रेशम की साड़ी चाहिए होगी किसी को भेजकर मंगवा लेना। मल्लिका महाराज विद्याधर के भाई की बेटी थी, जिसकी कुछ ही दिन पहले एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से शादी हुई थी। रेशम के कपड़े बनाने में कांची को मल्लिका हमेशा मदद करती थी,
इसलिए उसका शादी के बाद भी रेशम के कपड़े बनाने का बड़ा मन था, पर बिना कुकून के ये संभव नहीं था। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। अब देखती हूँ मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। बहन, तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, पर जैसा कि इस राज्य का नियम है, जाने से पहले तुम्हारी तलाश ली जाएगी। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। दासी? कुछ नहीं है राजकुमार। चलो बहन। मल्लिका बड़ी चालाकी से अपने साथ कुकून लेकर दूसरे राज्य चली गई और वहाँ जाकर सिल्क के कपड़े बनाने लगी। मल्लिका की सिल्क के कपड़े बनाने की कला जो उसने विजयनगर से सीखी थी, वो सबको बहुत पसंद आई, जिससे विजयनगर और महाराज विद्याधर दोनों का नाम दूर दूर तक फैल गया और वहाँ से सिल्क के व्यापार में भी चार चांद लग गए। महाराज विद्याधर को इस बात का एहसास हो गया कि अद्भुत विद्या छुपाने की नहीं बताने की चीज है, और इसलिए उन्होंने सिल्क के कपड़े बनाने की विद्या सीखने के लिए विजयनगर के द्वार सबके लिए खोल दिए। सालों पहले दूर समंदर में एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था, जहाँ बड़े बड़े पेड़, सुंदर तालाब और मीठे मीठे पानी के झरने थे। और हाँ, यहाँ की एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, यहाँ के दुर्लभ सफेद पत्थर जिससे विश्व की सबसे शानदार मूर्तियां बना करती थी। अरे भागो! 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 अरे अरे कौन है जिसने पत्थर की बारिश करा दी? नीचे उतरो, ये कोई तरीका है पत्थर उतारने का? माफ करना भाया, थोड़ी देर और करता तो पत्थर के भार से मेरी नाव डूब जाती, इसलिए बिना सूचना दिए ऐसा करना पड़ा। बड़े अजीब व्यक्ति हो, अरे किसी का सर फूट जाता तो? ओह, अजीब मैं हूँ या आपके टापू का नियम? ऐसा कहीं सुना है कि मूर्ति बनाने की खास कला सीखनी है तो अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा? बात करते हैं, पहले नियम सही करवाओ फिर बात करना, चलता हूँ मैं। ये बात तो सही कह गया, हमारे देश के नियम में ही गड़बड़ी है। रोज रोज के इस पत्थर के झंझट से छुटकारा पाना है तो हमें महाराज से बात करनी ही पड़ेगी। आप लोग अपनी समस्या बताएं। दरअसल बात ये है महाराज कि हमारे राज कलाकार अमरसेन की मूर्तियों की कला इतनी चर्चित है कि दूर दूर से लोग यहाँ उनसे मूर्ति कला सीखने आते हैं। मगर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, इसमें समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है महाराज, समस्या है मूर्ति कला सीखने की शर्त, और शर्त ये है कि जिसे भी कला सीखनी है उसे अपना पत्थर खुद लेकर आना होगा। अब इस शर्त से हमारे किनारों पर पत्थर ही पत्थर उतरते रहते हैं, जिससे हमें व्यापार करने में बहुत परेशानी होती है। मंत्री, क्या हमारे राज्य में पत्थरों की कमी है जो कलाकारों से पत्थर मंगवाए जाते हैं? कैसी बात करते हैं महाराज, जहाँ सोने चांदी खाने पीने किसी चीज की कमी नहीं है, वहाँ पत्थरों की कमी कैसे होगी महाराज? तो फिर बात क्या है, अमरसेन ने कुछ तो सोच समझ कर ये नियम बनाया होगा। अब अगर आप कहें तो अमरसेन जी को आने का बुलावा भेजा जाए? नहीं, वो राज कारीगर के साथ हमारा मित्र भी है, इसलिए हम खुद अपने मित्र से मिलने जाएंगे। और महाराज हिमबिंदु अपने लोगों के साथ अमरसेन की मूर्ति पाठशाला में पहुंच गए, जहां महाराज को स्वयं आया देख सभी अचंभित हो जाते हैं और अमरसेन महाराज से यहां आने का कारण पूछता है, जिस पे महाराज मूर्ति कला सीखने के लिए पत्थर साथ लाने के अनोखे नियम के बारे में पूछते हैं। महाराज,
हमारा राज्य छोटा सा है। यहाँ की मिट्टी, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि पत्थर प्रकृति का उपहार हैं, और प्रकृति ने सब कुछ बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पत्थर, सब कुछ, इनमें से किसी एक चीज से भी छेड़छाड़ प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकती है, और फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगर कुछ नहीं बचेगा तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? वाह अमर सैन, वाह! हम तुम्हारे विचार से अति प्रसन्न हुए। और रही बात आप लोगों की समस्या की, तो मैं जल्द ही मूर्तिकारों के पत्थर लाने ले जाने के लिए अलग किनारा बनवाने की व्यवस्था करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज की जय हो। महाराज के न्याय से सभी प्रसन्न हो गए। जैसा कि राजा ने कहा था, पत्थर लाने और ले जाने के लिए अलग से किनारा बना दिया गया, जिससे व्यापारी भी खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगे। कुछ सालों के बाद जब महाराज हिमा बिंदु की जगह उनके बेटे राजदीप ने गद्दी संभाली, तो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि महाराज हिमा बिंदु और नए महाराज राजदीप के सोचने के तरीके में काफी फर्क था। उनका हर फैसला केवल फायदे के लिए होता था। कुछ दिनों के बाद जिन्होंने पहले शिकायत की थी, उन्होंने फिर से मूर्तिकार अमरसेन और उनके पत्थर लाने के नियम के बारे में राजदीप के कान भरने शुरू कर दिए। अमरसेन को राज दरबार में बुलाया जाए। क्षमा महाराज, वो आपके पिताजी के मित्र हैं। आपको उनके पास खुद जाना चाहिए। आपके पिताजी भी ऐसा ही किया करते थे। आप ये मत भूलिए कि पिताजी की जगह महाराज अब मैं हूँ। हमारी आज्ञा का तुरंत पालन हो। और कुछ ही देर में नए महाराज के आदेश पर अमरसेन दरबार में हाजिर हो गए। आपके मूर्ति कला सीखने के लिए कलाकारों को पत्थर लेकर आने वाले नियम को हम आज और अभी से समाप्त करने का आदेश देते हैं। मगर महाराज, इससे हमारा और हमारे राज्य की बहुत अधिक हानि होगी। हानि और लाभ आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें पता लगा है कि पत्थर लेकर आने के नियम के कारण कई कलाकार यहाँ आ ही नहीं पाते। इसलिए ना ही नियम रहेगा, ना ही कलाकार यहाँ आने से कतराएंगे। लोग आएंगे तो व्यापार आएगा और तरक्की होगी। मगर हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। आपने इस राज्य की बहुत सेवा की है, इसके लिए ये राज्य आपका आभारी है। मगर अब आपके आराम की उम्र है, इसलिए आपको अभी से सेवा मुक्त किया जाता है। जो आज्ञा महाराज। अपने अभी के फायदे के आगे महाराज राजदीप को कुछ नहीं सूझ रहा था। इसीलिए अब नए नियम के आने से धीरे धीरे राज्य में भारी संख्या में लोग आने लगे, भारी संख्या में खुदाई करके पत्थर निकाले जाने लगे। पत्थर निकाले जाने से पेड़ गिरने लगे, खुदाई की धूल मिट्टी से फसलें खराब होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, सूखा पड़ने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे लोग टापू छोड़कर जाने लगे। और कुछ ही दिनों में टापू पर पत्थर की मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं बचा। और जैसा कि अमरसेन ने महाराज हिमा बिंदु को सलाह दी थी कि अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो आज सत्य हो गया। इस तरह राजा के एक गलत निर्णय ने पूरे के पूरे खुशहाल टापू को बंजर बना दिया, और खुशी से रह रहे लोगों को अपने घर को छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। उधर राजा के गलत डिसीजन से उसको अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इधर लगता है उप्पी अंकल के गलत डिसीजन के कारण हमें टेंट छोड़कर जाना पड़ेगा। उप्पी अंकल, अम्मा ने बोला था ना कि नदी के किनारे से पत्थर मत निकालो, अब देखो उसकी वजह से पानी टेंट में घुस रहा है। ओह नो, सॉरी अम्मा। आइयो, अब हम सोएंगे कैसे जी? बाबू चीरू चलो। Thank you.
If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.